तो दोस्तों आज यानी कि 4 मई को तीन बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। उनमें से पहली फिल्म है 102 नॉट आउट। उमेश शुक्ला के निर्देशन में बनी फिल्म 102 नॉट आउट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में 27 साल बाद अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन के बेटे की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म स्क्रीनिंग के टाइम जिन जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उन सभी लोगों ने इसकी तारीफों के पुल बांध दिए हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स काफ़ी कमाल के हैं और अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की एक्टिंग तो हम सब जानते ही हैं। और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी 3 से 4 स्टार्स दिए हैं और ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। तो दोस्तों आज रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है उमरता। राजकुमार राव की उमरता फिल्म आज 102 नॉट आउट फिल्म के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग एक नए किरदार में नजर आने वाली है। हंसल मेहता के निर्देशन में बन रही ये फिल्म ब्रिटिश आतंकवादी उमर साइब शेख के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में पूरी तरह से क्राइम और थ्रिलर दिखने वाला है। इस फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग एक अलग ही लेवल पे दिखने वाली है और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। आपको बता दें कि ना पेरू सूर्या ना इल्लू इंडिया फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। हालांकि तेलुगु दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि फिल्म में अल्लू अर्जुन का अब तक का सबसे खतरनाक एक्शन दिखने वाला है। और जैसा कि हम सबको पता है कि साउथ की फिल्में अलग ही कमाल कर जाती है और ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि साउथ में काफ़ी धमाका मचा सकती है। तो दोस्तों ये तीन फिल्में हैं जो कि आज यानी कि 4 मई को रिलीज़ हो रही है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा बाजी मारता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा चल पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहीं पे मिलेगी आपको बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।